नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ गई। अब आम आदमी पार्टी के नेता ये पूछ रहे हैं कि देश में सिर्फ विपक्ष के नेताओं के घर पर ही रेड क्यों पड़ रही है, बीजेपी के किसी भी नेता या मंत्री के घर पर रेड पड़ने की खबर दूर दूर तक क्यों नहीं आती, ऐसा क्यों। मनीष सिसोदिया के घर पर रेड पड़ने के बाद इस बात की जानकारी मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर वन नहीं बन पाया। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के संबंध में ये छापेमारी की है। जांच एजेंसियों ने मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले साल नवंबर में लाई गई एक्साइज पॉलिसी को बनाने और लागू करने में कई गड़बड़ियां की गई हैं। बताया गया है कि मामले में मनीष सिसोदिया के घर के अलावा दिल्ली के एनसीआर में 20 से ज़्यादा लोकेशन पर केंद्रीय एजेंसियों ने रेड मारी है। 1 सितंबर 2022 से दिल्ली में शराब से जुड़ी पुरानी आबकारी व्यवस्था लागू होनी है। फिलहाल 6 महीने के लिए इसे वापस लाने का फैसला किया गया है। नई आबकारी नीति को लेकर खास विवाद हो गया था। ऐसे में दिल्ली सरकार ने वापस पुरानी पॉलिसी लाने का फैसला किया था, जिसके तहत राजधानी में शराब की कोई प्राइवेट शॉप नहीं होगी। फिलहाल मौजूदा नीति के तहत इन प्राइवेट शॉप्स को 31 अगस्त तक शराब बेचने की अनुमति है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली में शराब कारोबार सरकार के हाथ से निकलकर प्राइवेट प्लेयर्स के पास चला गया था, लेकिन 1 सितंबर से इनका शटर डाउन हो जाएगा। हालांकि इससे पहले मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का पहुँचना कई सवाल खड़े कर गया है। खबर सामने आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री का बचाव किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा सहयोग करेंगे, पहले भी जांच रेड हुई है, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले भविष्यवाणी की थी कि केंद्र की जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती हैं। जून में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने कहा था कि अब कुछ दिनों में मनीष सिसोदिया को निशाना बनाया जाएगा। जुलाई में भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात दोहराई। उपराज्यपाल के शराब नीति की सीबीआई जांच कराने के आदेश के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सिसोदिया की गिरफ्तारी चाहता है। बहरहाल बीजेपी का आरोप है कि शराब के ठेकों के नाम पर मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है। उप मुख्यमंत्री के यहाँ सीबीआई के रेड पड़ने की खबर सामने आते ही बीजेपी के कार्यकर्ता कपिल मिश्रा ने ट्वीट पर लिखा, सत्येंद्र जैन का करप्शन पकड़ा जा चुका है, सिसोदिया के घोटाले अब जनता के सामने आ रहे हैं। शराब के ठेकों के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट का मामला सिर्फ शुरुआत है। केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। दिल्ली को लूटने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर समेत कुल 21 जगहों पर छापेमारी की है। एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सीबीआई ने दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ए गोपीकृष्णा के यहाँ भी रेड की है। उनके अलावा दिल्ली के कुछ और अधिकारियों के यहाँ भी रेड पड़ने की जानकारी है। इस संबंध में कोई भी खबर आएगी तो इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करेगा। बहरहाल आप देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।